गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल टू गेट माय अपकमिंग वीडियोस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 पोएट्री का 5वां चैप्टर जिसका नाम है आई ओ टू दी माई कंट्री। ओ का मतलब होता है शपथ लेना, हे मेरे देश, मैं दी मतलब तेरी शपथ लेता हूँ, हे मेरे देश मैं तेरी शपथ लेता हूँ। इस कविता में कवि अपने गहरे देश प्रेम को व्यक्त किया है। कवि अपने देश से सर्वाधिक प्रेम करता है, उसका प्रेम निस्वार्थ तथा सच्चा है। वह देश के लिए सब कुछ बलिदान कर देने को तैयार है। कविता पूरी तरह राष्ट्रीय भावना से भरी हुई है और हमें सच्चा राष्ट्रभक्त बनने को प्रेरित करती है। चलते हैं इसको डिटेल से समझते हैं। लिखा है आई ओ टू दी माई कंट्री, मेरे देश मैं तेरी शपथ लेता हूँ, ऑल अर्थली थिंग्स एवब, सभी अर्थली मतलब सांसारिक, थिंग्स मतलब वस्तुएं, सभी सांसारिक वस्तुओं से ऊपर, हे मेरे देश मैं सारी सांसारिक वस्तुओं से ऊपर तेरी शपथ लेता हूँ, इंटायर एंड होल एंड परफेक्ट, पूर्ण परिपूर्ण एंड परफेक्ट मतलब संपूर्ण, द सर्विस ऑफ माई लव, मेरे प्रेम का जो सर्विस है, जो सेवा है, वह पूर्ण है, परिपूर्ण है और संपूर्ण है। द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, मेरा प्रेम किसी भी प्रकार की शंका से रहित है, यानी कि मेरे प्रेम में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। द लव दैट स्टैंड्स द टेस्ट, मेरा जो प्रेम है वह परीक्षा में खरा उतरने वाला है, टेस्ट परीक्षा में खरा उतरने वाला है। दैट लेज अपॉन द आल्टर डियरेस्ट एंड द बेस्ट, देखिए लिखा है कि दैट लेज, वह जो प्रेम है वह ले करके जाता है अपॉन द आल्टर, आल्टर मतलब होता है बलिवेदी, डियरेस्ट मतलब अपने प्रिय एंड द बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, यानी कि यह एक ऐसा प्रेम है जो सबसे प्रिय और सर्वश्रेष्ठ का बलिदान कर देता है। द लव दैट नेवर फाल्टर्स, मेरा जो प्रेम है वह कभी फाल्टर्स मतलब लड़खड़ाना, मेरा प्रेम कभी लड़खड़ाता नहीं है। द लव दैट पेज द प्राइस, ऐसा मेरा प्रेम है जो हर मूल्य को चुकाने के लिए तैयार है। द लव, उसका प्रेम ऐसा है दैट मेक्स, जो बनाता है अनडांटेड मतलब निडर, द फाइनल सेक्रीफाइस मतलब जीवन की अंतिम आहुति, यानी कि उसका प्रेम उसे जीवन की अंतिम आहुति के लिए भी निडर बनाता है। कहने का मतलब यह है कि उसका प्रेम ऐसा है जो निसंकोच अंतिम बलिदान के लिए भी तैयार है।